हरियाणा के फरीदाबाद में रफ्तार के कहर का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक ब्रांड न्यू कार तेज गति से आती है और दुकानों में घुस जाती है। गनीमत यह रही कि घटना के दौरान कुछ समय पहले एक साइकिल सवार व्यक्ति खड़ा था, जिसकी जान बाल बाल बची। दरअसल यह पूरा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी का है, जहां पर तेज रफ्तार कार दुकान में घुस गई और जिस समय यह पूरी घटना घटी थी उससे कुछ सेकंड पहले ही वहां पर साइकिल सवार व्यक्ति मौजूद था, जो उसी समय वहां से चला जाता है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पीड़ित दुकानदार ने इस मामले में आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित कुलदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुद्वारा रोड पर उनकी कलसी वैरायटी स्टोर के नाम से दुकान है, उसने कोरोना वायरस के कारण दुकान बंद कर रखी है। बुधवार यानी 8 अप्रैल को देर शाम पड़ोस के दुकानदार विजय व नरेश चंद ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि एक i20 कार चालक ने दुकान के रैंप पर कार चढ़ाकर शटर को तोड़ दिया है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी क्या हुआ? सर मेरी दुकान है जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड पर कलसी वैरायटी शॉप के नाम से। तो लॉकडाउन के कारण सारी मार्केट बंद है, तो हम भी अपने घरों में ही थे सब। तभी अचानक मेरे पड़ोसी दुकानदार का फोन आया शाम को कि जल्दी से दुकान पर आओ, तुम्हारी दुकान का शटर टूट गया है, किसी तेज गाड़ी ने शटर में बहुत चोट कर दी है। तो सर जब मैं आके दुकान पर देखा तो मेरा पूरा शटर डैमेज हो चुका है। एक साइड से रैंप है, 3 सीढ़ियाँ बनी हुई है, उनको क्रॉस करते हुए कार बहुत तेज लगी है गाड़ी शटर में, जिसके कारण शटर भी टूटा है और अंदर जो शोकेस था वो पूरा ही डैमेज हो गया, सारा शीशा और जो उसके अंदर छोटा छोटा जो भी सामान था वो सारा ही सामान खराब हो चुका है। तो इसके खिलाफ सर वो जो गाड़ी थी वहीं खड़ी हुई है रोड पर, और गाड़ी में से कोई भी नहीं है, जो भी थे कार चलाने वाले वो तो वहाँ से जा चुके हैं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब हम फिलहाल अपने साथियों के साथ दुकानदार भाइयों के साथ यहाँ सारण थाना में आए हुए हैं, तो आगे की कार्रवाई अब देखते हैं क्या करना कैसे करना। तो अभी पता लगा कि जो चला रहा था अभी उनका पता लगा कहाँ के है कौन है? जानकारी नहीं है कि क्या है कौन है कैसे थे। तो आपको लगता है कि उन्होंने ड्रिंक व्रिंक करी हो? या हो सकता है सर, वहाँ जो आसपास बताने वाले उनका ये कहना था गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी और उसमें म्यूजिक सिस्टम भी बहुत लाउड चल रहा था। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर अभी तो मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी जाए, जो भी हैं कार चलाने वाले उनकी जानकारी हासिल हो कौन थे क्या थे, और जो मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए या कानूनी तौर पर जो कार्रवाई उचित है वो करी जाए। टक्कर लगने के बाद दुकान में कुछ गिरने की आवाज भी आई है। दुकानदार ने बताया कि दुकान का शोकेस टूट गया था। कार नंबर के आधार पर सारण थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बेशक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि शहर में लगातार पुलिस अपना चेकिंग अभियान चला रही है, इसके बावजूद कार की स्पीड इतनी कैसे थी? सर एक गाड़ी ने दुकान के अंदर ठोका है, क्या है पूरा मामला? सर सूचना पाकर मैं मौके पहुंचा हूं। वहां कुलदीप सिंह दुकानदार ने लिखित कंप्लेंट दी है और एक गाड़ी चालक ने गाड़ी को तेज गति से चलाकर एक्सीडेंट किया है, जिसमें दुकान में नुकसान हुआ है। बाकी चालक मौके से फरार है, चालक का नाम पता नहीं है, गाड़ी मौके पे मिल गई। तो सर पता लगा है कि अभी तक उन्होंने मतलब ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी और मौके पे नाके पे चालक नहीं मिला, उसके बारे में कुछ नहीं, ड्रिंक के बारे में नहीं पता लगता। तो सर ये नाके पे हर जगह पुलिस हो रही है, हर जगह नाके पे लगा हुआ है, लॉकडाउन की लोगों ने की उसने, हाँ तो उसके बावजूद भी इतनी स्पीड में? हाँ लॉकडाउन लोगों ने की और उसकी FIR दर्ज कर रहा हूँ। InstaFeed.